प्लान में एक चेंज आ गया है। अभी हम ये लाइट को भी अभी जाना था पैकिंग के वक्त, बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर आवाज हो रही है। तो अब मुझे यहाँ पे रहते हुए लगभग 4 महीना हो गया है, मतलब मैं फेब में आया था एंड अभी जून चल रहा है। एंड रहते रहते मैंने एक चीज ये देख लिया कि भाई यहाँ का वेदर एक मुंबई घर से ना ही पूछो तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ के वेदर का कुछ भरोसा नहीं है। आज इतनी गर्मी है, कल रात को तूफान चला था, परसों बारिश हुआ था, फिर वापस गर्मी हुई थी, तो और अब लाइट चली गई है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे होते रहता है, बट जितना भी स्टे था ना, माइंड ब्लोइंग स्टे था। अब वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं जो हूँ दिल्ली के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, 4 महीने के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं रिटर्न हो रहा हूँ मुंबई। एंड एक चीज आप लोगों को बता दूंगा, सिर्फ मैं ही रिटर्न हो रहा हूँ, मैं ही जा रहा हूँ, और कोई नहीं जा रहा है। आभा और अभियान जो है वो दोनों नहीं जा रहे हैं। तो ब्लॉग में क्या क्या होगा ये आप लोगों को पता चल ही जाएगा। बैग दिख रहा है पीछे, हाँ, ये एक बैग पैक हो गया अपना, दूसरा बैग भी अपना पैक हो चुका है, तो दो बैग होगा। शुभम अपने को बाइक पे लेके जाएगा, रेडी होने वाला है। अभी बज रहे 11:30, अपनी जो ट्रेन है वो लगभग 5 बजे की है। ये भी मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। ट्रेन से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि फ्लाइट का झंझट अपने को चाहिए नहीं। ये बैग है, इसके अंदर एक बैग है जो मैं एक्चुअली 2 बैग लेके आया था, तो वो डाल दिया इसके अंदर। ये अपना कैमरा बैग है, लैपटॉप बैग है, और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो कि मैंने कैसे कैसे करके भर दिए। टी शर्ट जो अपन पहन के जाने वाले हैं, कंबल इसके अंदर, थोड़ा स्नैक्स रख लिया है। कंबल इसलिए क्योंकि आजकल कोविड की वजह से रेलवे वाले कंबल तकिया नहीं देते, तो एक कंबल है, इसी को अपन तकिया बना लेंगे, इसको अपन बर्थ के नीचे डाल देंगे, बस यही है। चलो भाई नहा धो के हो गया अपना, बाल थोड़ा बना लेते। अब बज रहे हैं 1:30, 5 बजे का ट्रेन है, 4 बजे हम लोग को स्टेशन के लिए निकलना है। तो 1:30 बजे नहा धो के बैठ गए, और भी बहुत सारे काम है नीचे जाके करने हैं, अभियान के साथ खेलना है, तो करना है फटाफट। और एक चीज है यार कि ये रूम को मैं बहुत ज्यादा मिस करने वाला हूँ, क्योंकि 4 महीने से ये रूम एक तरीके से मेरा ऑफिस, मैं सोता इसी के अंदर था, खाना भी इसी के अंदर खाता था, मूवीज भी सारी इसके अंदर देख रहा था। तो एक तरीके से ये रूम को मैं बहुत ज्यादा मिस करने वाला हूँ। एक चीज और दिखा देते हैं, ये रूम की स्पेशलिटी, अगर आप लोग ऊपर देखोगे यहाँ पे तो अभियान के फुटप्रिंट्स है। तो जब हम लोग दिल्ली आए थे फेब में, तो अभियान के मामा जितने भी है उन्होंने फुटप्रिंट्स लिया था, उसको फ्रेम करा के यहाँ पे लगा दिया है। तो ये रूम का एक तरीके से स्पेशलिटी बॉन्ड, वो सारी चीजें तो ये रूम के अंदर है ही। तो 4 महीने के अंदर जो भी चीज हुए है यहाँ पे, उसकी मेमोरीज तो मैं लेके जा ही रहा हूँ। ये घर से बहुत ज्यादा मेमोरीज है, लोगों की तो बात ही अलग है। अभियान एक तरीके से यहाँ पे बड़ा हुआ है, सारी हरकतें वो अब यहाँ पे ही उसने स्टार्ट किए, तो ये एक स्पेशल जगह रखेगी अपने दिल में। चलो नीचे चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, एंड देन उसके बाद अभियान से मिलके मजे करेंगे। चलो कैमरा में नहीं देखना, अरे नेचुरल रहो, कैमरा में नहीं देखना, नेचुरल रहे। अरे 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 तोड़ देगा क्या बे? ताली धप धप। चलो खेलो, तुम खेलो, लो खेलो लो। अरे इतना सारा समय नीचे रह गया था, प्लान में एक चेंज आ गया है। अभी हम नहीं, कुछ नहीं, गेट बंद किया था वो। तो अभी हम जा रहे हैं कैब से, तो
पहले सोचा था बाइक से जाएंगे, बट ये जिस लेवल का सामान भारी हो गया है, मुझे नहीं लगता बाइक पे जाना सही होगा। तो कैब कर लिए, कैब आ रही है, टाइम हम लोग देख ही रहे हो, तो चलो कैब में मिलते हैं। अबू चलो चलते हैं भाई, कैब भी आ गई अपनी। चलो भाई चलो। जाते हैं देखते हैं अंदर। तो भाई कोविड रिपोर्ट और बिना टिकट के एंट्री नहीं है। जो भी ब्लॉग देख रहे हैं भाई दिल्ली स्टेशन पे, बिना कोविड रिपोर्ट और वैलिड टिकट के एंट्री नहीं है। यहाँ पे मास्क कंपलसरी, सैनिटाइजर बैग में होना चाहिए। ये देखो भाई अपनी ट्रेन है जो कि 4:55 को निकलेगी। अगर पीछे टाइम दिख रहा है तो भाई हो रहा है 4:47। टाइमली है ट्रेन, सीट मिल गया, सामान वामान भी सब रख दिया। इसी में जाना है। अंदर की भाई साहब ने बुला लिया, चाय दे दी, चाय पीते पीते जाते सो तो लिया था अपन ने, और अभी नींद अपने को आ नहीं रही है भाई। चाय पियेंगे और 2 घंटे बाद बोरी ले आएगा, उसमें उतरेंगे और आमची मुंबई में अपना खुद का स्वागत करेंगे। पहुंचने वाले, और ये देख के पता चल रहा है, बाहर भी देख के पता चल रहा है कि भाई बहुत मस्त बेटी जोरदार बारिश हो रही है। पता नहीं यार घर। चलो आमची मुंबई, हल्की फुल्की बारिश तो स्टार्ट हो गई थी, अब जोर से हो गई स्टार्ट। मुरली स्टेशन आके इतने दिनों बाद अच्छा लग रहा है, बुरा भी लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा खाली है। एक तरीके से पीक टाइम है ये, लेकिन पूरा खाली है, कोई नहीं है, कोई देख रहे हो इतना खाली कभी था बोरीवली स्टेशन अपने लाइफ में? मेरे को तो नहीं लगता है। खचा खच भीड़ भरी रहती थी, ऑलमोस्ट खाली है यार, ऑलमोस्ट। कुछ लोग हैं जो अभी मेरे साथ ट्रेन से उतरे हैं, कुछ एसेंशियल वर्कर्स है वो जा रहे हैं ये ट्रेन से। कोई नहीं, ऑटो पकड़ते हैं घर चलते। घर आते आते एक और ट्रेजिडी, चप्पल टूटी। चलो यार अभी यहाँ आते नया पहनना पड़ेगा, 7 माला। इतने दिन बाद दबा रहे भाई, बारिश भी बहुत तेज है। घर वर खोल के आराम से मिलता हूँ भाई। भाई भाई मेरे को जो लग रहा था उस
तो भाई हालत बहुत अच्छी है यार घर की। मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसा फ्लोर वोर जो है वो थोड़ा अपने को मिट्टी मिट्टी ऐसा लग रहा है, बाकी सारी चीजें तो बढ़िया ही है भाई। बेडरूम भी अपना सही सलामत, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ बढ़िया है। लाइट जला के देख लेते। हाँ भाई चलो भाई सब सही है, फ्रेश होते हैं। तो भाई देखो अब जैसे आया, साफ वाफ किया, थक गया और भाई मैं सो गया। अब उठाऊं लगभग ऑलमोस्ट हो रहा है शाम के 6:30 बज रहे हैं, स्लीप साइकिल की तो वाट लग चुकी है। अब देखेंगे, कोशिश करेंगे, कल से ऑफिस भी है तो ऑफिस का काम करेंगे। और मम्मी को भी पता नहीं था कि मैं आने वाला हूँ, ये चीज मैंने नहीं बताई थी, तो वो मुंबई के लोग जानते ही नहीं है कि मैं मुंबई आ चुका हूँ। तो अभी 5 दिन क्वारंटाइन रहेंगे, एंड देन 6वें दिन अगर कुछ नहीं हुआ तो सैटरडे को जाएंगे, मॉम से मिलेंगे, दीदी से मिलेंगे, डोडो से मिलेंगे, एंड हो सकेगा तो मॉम को वापस लेके आएंगे, क्योंकि 4 महीने से वो भी यहाँ नहीं आई है, वो भी दीदी के यहाँ पे ही रह रही है। एंड और एक चीज़ तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि मॉम को भी कोविड हुआ था, मतलब मॉम दीदी के यहाँ थी तो उनकी पूरी फैमिली को कोविड हुआ था। जिस टाइम पे मुझे हुआ था उस टाइम पे उन लोग को भी हुआ था, तो उसके बाद से तो मेरी थोड़ी सी पड़ चुकी है। तो अभी क्वारंटाइन रहेंगे अपन, अकेले रहेंगे, सब कुछ अकेले से करेंगे, जितना हो सकेगा उतना मैंने झाड़ू पोछा तो कर ही दिया है। अपना जो सिस्टम है वो भी मैंने चालू करके देखने वाला हूँ कि कैसा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बहुत दिन बाद सिस्टम में बैठूंगा तो उसकी भी एक्साइटमेंट है, और वो आपको आगे के ब्लॉग्स में दिख जाएंगे। तो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस गाइस, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए कि ब्लॉग कैसा लगा। मेरे को तो एक तरीके से, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, वो मैंने कैप्चर नहीं किया, कहीं पे आपको दिख जाएगा। बट अभियान को छोड़ के आना, आभा को छोड़ के आना, एक तरीके से अकेले यहाँ पे अभी कितने दिन रहूंगा, मन नहीं लगने वाला है। तो हो सकेगा तो जल्दी वापस जाएंगे, उनको भी लेके आएंगे जैसे ही ये सब कुछ सही होता है। तब तक के लिए जय हिंद।